हेलो फ्रेंड्स वेलकम है कैसे आप सब होप यू ऑल आर डूइंग गुड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर एंड आज गुरुवार है सबके लिए साईं बाबा जी के मैसेजेस हैं जो साईं बाबा जी को नहीं मानते हैं उनके लिए डिवाइन से मैसेजेस हैं जिनको वो मानते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस हैं डिवाइन इज़ यूनिक डिवाइन इज़ यूनिक यूनिवर्स इज़ यूनिक ईच एंड एवरी स्पिरिचुअल पावर इज़ यूनिक बन बट बस उनके नाम अलग है, उनके अलग हैं उनके स्वरूप अलग अलग हैं बट अल्टीमेटली लाइट इज़ यूनिक ओके तो आज ये मैसेजेस हैं कि बाबा जी डिवाइन यूनिवर्स या फिर जिनको भी आप मानते हो आपको क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं एंड आपको वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं तो योर फर्स्ट मैसेज इज ग्रोथ uh, तो योर यूनिवर्स बाबा जी एंड जिनको भी आप मानते हैं सॉरी फ्रेंड्स बाहर से थोड़ा सा नॉइज़ आ गया था जिसकी वजह से मैंने एक पोज लिया लिटिल पोज तो साई बाबा जी यूनिवर्स डिवाइन जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनका दिव्य संदेश उनका मैसेज ये है कि आप जिस भी चीज़ के लिए फट्स लगा रहे हैं ग्रोथ आपके सामने है अपकमिंग डेज में आपको ग्रोथ मिलेगी चाहे आपकी लव लाइफ हो चाहे आपका फाइनेंस हो चाहे आपका कैरियर हो सो अपकमिंग टाइम में आपकी ग्रोथ आपके सामने आ रही है आपके रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं जिन रिजल्ट्स का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो चीज़ें हैपन होंगी अब ठीक है एंड आपका नेक्स्ट मैसेज है मेडिटेशन तो ये एक तरह से गाइडेंस है बाबा जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते या सम टाइम आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं रेस्टलेस फील करते हैं परेशान फील करते हैं सफोकेटेड फील करते हैं तो रिलैक्स म्यूजिक सुनिए रिलैक्सिंग कोई म्यूजिक सुनिए जिससे आपको अच्छा लगे मेडिटेशन कीजिए मंत्रा चांटिंग कीजिए प्रेयर्स कीजिए डिवाइन के सामने बैठकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए मून वॉक कीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे अब आप अपने आप को हील कीजिए ट्रस्ट एंड फेथ रखिए डिवाइन पे यूनिवर्स पे ख़ुद पे योर जर्नी पे सारी चीज़ें आपको अल्टीमेटली आपके गोल तक आपके डेस्टिनेशन तक आपकी मंजिलों तक पहुंचा रही हैं अगर आपके लाइफ में पेन है तो वो इसीलिए क्योंकि उस पेन के बाद ही गेन मिलने वाला है यू आर द यूनिवर्स आप यूनिवर्स हैं अगर आप मेडिटेशन करेंगे और डीप मेडिटेशन में जाएंगे, तो आपको अपने अंदर पूरा यूनिवर्स दिखाई देगा दैट मीन्स आपके अंदर पंच तत्व हैं आपके अंदर सब कुछ है जो यूनिवर्स में होता है आपके अंदर सब कुछ पावर्स हैं सब कुछ अचीव करने की तो कभी भी आप लोग डिसअपॉइंटेड फील मत कीजिए यू इस कैन अचीव ईच एंड एवरी ओके थ्री सीज तीन चीजों को कट क्लियर एंड क्लिन कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए जो भी आपके लाइफ में सही नहीं है जो आपको लगता है कि फ्रूटफुल नहीं है चाहे वो सिचुएशन हो चाहे वो पर्सन हो चाहे वो uh, कोई भी ऑप्शन हो राइट right? जो भी आपके लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है उनको थोड़ी टाइम के लिए अपनी लाइफ से हटा दीजिए इन फ्यूचर अगर वो आपका होगा तो आएगा अदरवाइज वो चला जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट बनिए आप ऐसी पर्सनालिटी बनिए कि लोग आपको फॉलो करें लोग आपके पीछे भागें नॉट लाइक दिस कि आप लोगों के पीछे भागते रहें लोगों की खुशियों के लिए जीते रहें बिकॉज जब तक आप सिर्फ औरों की खुशियों के लिए जिएंगे, तब तक आप औरों को फॉलो करेंगे और जब आप अपनी खुशियों के लिए जीना सीख जाएंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए मैनिफेस्टेशन कीजिए लर्निंग <coughs> कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया है तब भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखना कभी ख़त्म नहीं हो सकता रीड द होली बुक्स अगेन कहाँ से आपको सीखना है आपके रिलीजन की कोई सी भी होली बुक जो आपको पढ़ना पसंद है वो आप पढ़िए सैडनेस एंड ग्लैडनेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते साथ साथ चलते हैं अगर लाइफ में परेशानियां हैं कष्ट हैं तो खुशियां भी आएंगी बैलेंस हो रही है सिचुएशन आपकी ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है फ्रॉम डिवाइन फ्रॉम यूनिवर्स जिसमें बाबा जी कहना चाहते हैं यूनिवर्स कहना चाहता है कि आपकी चीज़ें बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है आपका कैरियर बैलेंस हो रहा है आपकी लव लाइफ बैलेंस हो रही है आपके रिलेशनशिप बैलेंस हो रहे हैं आपकी हेल्थ बैलेंस हो रही है एंड फाइनली में ग्रोथ तो होनी ही है क्योंकि ग्रोथ का फर्स्ट मैसेज है तो आप लोग ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं मास्टर्स विल मास्टर्स विल जिस भी भगवान को आप मानते हैं जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं जिस भी लाइट को आप मानते हैं जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं वो यूनिवर्स वो एंजल्स वो डिवाइन वो पावर्स आपके साथ हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिवाइन वननेस है डिवाइन हमेशा से यूनिक है उसके स्वरूप उस अलग हैं उसके नाम अलग हैं उसकी पहचान अलग है बट अल्टीमेटली डिवाइन इज़ यूनिक सोल जर्नी आप में से बहुत सारे लोग सोल जर्नी पे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं सोलमेट कनेक्शन में हैं जिसमें बाबा जी आपके नोइंग्स uh, <coughs> कुछ हीलर्स कुछ टैरो रीडर्स आपको राह दिखाएंगे बट चलना आपको खुद है टाइम टू टाइम सिचुएशन आपको खुद फेस करनी है टाइम टू टाइम डिसीजन आपको खुद लेने हैं यू आर सेम एज मी ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है बाबा जी कहते हैं कि आप बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो इम्पैथ हो काइंड हार्टेड हो लोगों का भला चाहने वाले हो डोनेशन करने वाले हो कोई डिफरेंस नहीं है सरेंडर अगर कुछ ना समझ में आए तो सरेंडर कर दो जब डिवाइन को सरेंडर कर दोगे उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दोगे तो उसके बाद जो पावर होगी वो डिवाइन के पास होगी एंड डिवाइन जो है वो सब कुछ ठीक कर देगी बी सर्टिव पॉजिटिव रहो कभी भी नेगेटिव मत सोचो बिकॉज जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो टाइम नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होने लगती है एंड जो भी हम सोचते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन थर्ड पर्सन कैरियर का ख़राब होना रिश्तों का टूट जाना वो चीज़ें हमारी लाइफ में रियल में सामने आने लगती हैं तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचो ताकि पॉजिटिव ही सामने आए वही मैनिफेस्टो द पावर द पावर ऑफ उदी। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अशांत हो रहे हो तो जिन भी भगवान को आप मानते हो साईं बाबा जी को आप मानते हो तो उदी का प्रयोग करो अदरवाइज जिसको भी आप मानते हो उनका प्रसाद ग्रहण करो उनका जल ग्रहण करो उनकी विभूति ग्रहण करो जो भी उनकी तरफ से मिलता है उन चीज़ों को ग्रहण करो सो so दैट आप लोग हील हो पाओ <coughs> आप लोग चैनल में हो आप लोग बाबा जी के चैनल में हो आप लोग यूनिवर्स के चैनल में हो आप लाइट वर्कर्स की तरह वर्क करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी आप लाइट वर्कर्स हो तो इन वर्क्स को आप कंटिन्यू करो चाहे तो आप बर्ड्स को फीड कराते हो एनिमल्स को फीड कराते हो टैरो रीडर्स हो हीलर्स हो डॉक्टर हो लॉयर हो डोनेशन uh, करते हो मंदिरों में डोनेट करते हो भूखों को खाना खिलाते हो आप जो भी करते हो बाबा जी आपको कहना चाहते हैं कि आप लाइट वर्कर हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी वे यू आर अ लाइट वर्कर तो अपने वर्क को आपको कंटिन्यू करना है इसी तरह से हील करना है uh, किसी को देखकर आपको अपनी राह नहीं बदलनी है एंड आपके लाइफ में बहुत जल्दी ग्रोथ अबंडेंस लास्ट कार्ड में अबंडेंस पे ख़त्म कर रही हूँ आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है सैडनेस जितनी आपने झेली है उतनी ही ग्लैडनेस आ रही है सोल जर्नी में आप काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हो एंड काफ़ी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है ऑलरेडी एंड बाबा जी कह रहे हैं कि उन सभी लोगों के लिए जो बहुत कष्ट देख चुके हैं बहुत दुख देख चुके हैं सोल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं लाइट वर्कर्स हैं काइंड वर्कर्स हैं इम्पैक्ट्स हैं उन लोगों के लिए अबंडेंस आ रही है दैट मीन्स जो आपने बोया था बेशक आपको अभी तक उसके फल नहीं मिलने मिले हों लेकिन अब आगे उनके फल आपको मिलने वाले हैं जो आपने बोया था वो आपको प्रफुल्लित होकर मिलने वाला है ग्रो हो मिलने वाला है एंड वो आपके लिए रेडी है वो फसल आपके लिए रेडी है राइप ऑफ करने के लिए तो फाइनली में जो आपने बोया है वो आप पा रहे हो जिन चीज़ों के लिए आपने मेहनत की थी उन चीज़ों के रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो गए हैं या बहुत जल्दी शुरु, मिलने शुरू हो जाएंगे अगर रियल में आपको ये सब चीज़ें फील होती हैं कि इंप्रूवमेंट आ रही है तो प्लीज़ मैंशन इट इन द कमेंट बॉक्स ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक यू पर्सनल पेड रीडिंग्स उनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन की है Bye for now. Lovely day. Take care.